प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 508 अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 9 सालों में सबसे अधिक रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि सबसे अधिक रेल ट्रैक निर्माण पर काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री ने रेलवे को आर्थिक विकास का रास्ता माना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का किया जाएगा पुनर्विकास। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री का रेलवे से भावनात्मक जुड़ाव रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन स्टेशनों से गरिमा के साथ यात्रा का अनुभव मिलेगा। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे आज तीसरे दिन भी जारी। एएसआई बारीकी से कर रही है सर्वे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद कई क्षेत्रों का हो रहा है विकास, हो रहे हैं बड़े बदलाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च स्तरीय बैठक में एमएसएमई विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र शीघ्र विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की कुल 11% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में है, जिससे भारत के कुल खाद्यान्न का 20% उत्पादित करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। सैकड़ों साल से विवादित अयोध्या स्थित राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 को पीएम ने किया था शिलान्यास। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक। जनपद फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश की तैयारियों के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुजफ्फरनगर में 9 अगस्त से 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तैयारी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने अधिकारियों के साथ की बैठक। श्रावस्ती में बीती रात नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसे में महिलाओं और मासूम समेत 7 नेपाली नागरिकों की मौत। शिशुओं को कुपोषण से बचाने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का उद्देश्य से बाराबंकी में मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह।